हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल क्लासेज एंड आई एम सुमन मैम वेलकम टू ऑल सो क्लास सेवन टू डे वी रीड न्यू चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट आज हम आपको स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है चीफ मिनिस्टर कैसे काम करते हैं एम एल ए क्या होता है और जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम होता है ना वो कैसा होना चाहिए इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपको पता है जैसे एक शिप होता है एक जहाज़ होता है उसमें उसको सारे को कमांड करने वाला जैसे कमांडर होता है कैप्टन होता है ठीक उसी तरीके से एक गवर्नमेंट जब चलाई जाती है एक गवर्नमेंट जब रन करते हैं तो हेड कौन होता है हेड होता है चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे ठीक है तो ये स्टेट लेवल पर कैसे काम करता है इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपको एक बात और बताऊँ जैसे कि हम लोग चुनाव जो इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम उसमें जाके अपना इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं ठीक है तो स्टेट में क्या बनती है बहुत सारी स्टेट असेंबलीज़ होती हैं है ना असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो होता है उसमें डिवाइड होती हैं तो इन सब के बारे में आज हम कैसे डिटेल में पढ़ते हैं और, और थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं जैसे हमने क्लास सिक्स में पढ़ा था ना कि पंचायत होती है उसमें कैसे फिर स्टेट लेवल में काम होता है लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है ठीक उसी तरीके से अब हम क्लास सेवन में आ गए हैं तो आप हम थोड़े बड़े हो गए तो ये हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में चलिए शुरू करते हैं चैप्टर तो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आइकन देसो चलिए शुरू करते हैं चलिए तो मैं आपको एक बात कहता तो हमारी जो कंट्री है ना वो थ्री लेवल पे होती है गवर्न करती है ठीक है अब आर कंट्री इज़ गवर्न एट थ्री लेवल से यानी तीन कौन कौन से लेवल है लोकल स्टेट और सेंट्रल यानी लोकल जो स्थानीय होते हैं ठीक है स्टेट आपको जैसे कि राज्य होता है और सेंट्रल यानी केंद्र सरकार जो होती है तो वी आर स्टडीड अबाउट लोकल गवर्नमेंट इन क्लास सिक्स जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है सो नाउ वी आर स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल तो आज हम हमारे जो गवर्नमेंट होती है स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है इसके बारे में पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट फुलफिल्स आपको पता है जैसे कि लजिस्टिव होता है एग्जीक्यूटिव होता है एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस जो होते हैं ये हर गवर्नमेंट में होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक इज स्टेट लजिस्टर अब स्टेट लजिस्टर क्या होता है जैसे कि आपको मैं बताऊँ एक बात कि हमारा जो गवर्नमेंट होती है है ना वो जब इलेक्शंस होते हैं तो आपने देखा हमारे घर घर जाके वो इलेक्शंस में हमसे वोट मांगते हैं है ना ठीक उसी तरीके से आज हम इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं सो लेट स्टार्ट जस्ट वी हैव अ हाउस ऑफ द पीपल और लोकसभा एट द नेशनल लेवल जैसे कि नेशनल लेवल पे हमारे पास क्या है हमारे पास जैसे नेशनल लेवल पे लोकसभा है हमारे पास ठीक उसी तरीके से एवरी स्टेट यानी हर राज्य के पास में भी ऐसा होता है और उनके पास क्या होता है एवरी स्टेट हैज़ ऑल्सो क्या एम एल एज होते हैं उनके पास में यानी मेंबर ऑफ लेजि असेंबली जो और इलेक्टेड बाय द पीपल ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं जो हम हैं है ना तो इन एडिशन

सो लजिस्टर हैव द बूथ ऑफ लजिस्ट्रि असेंबली एंड लजिस्ट्र काउंसिल और द बाय यानी हम मैं आप एक बात बताऊँ आपको कि लजिस्ट्रि काउंसिल और विधानसभा एक ही बात है ठीक है तो अब हम बात करते हैं जैसे लोकसभा में नेशनल लेवल पे होती है ना विधानसभा स्टेट लेवल पे होती है ठीक है ये बात आपको जरूर याद रखनी है चलिए लजिस्टर है द बोथ लजिस्टर असेंबली लजिस्टर काउंसिल हमारे पास में जो स्टेट लेवल पे होती है ये दोनों होते हैं और हम इनको क्या बोलते हैं बाय क्रैमल सो हैव द लजिस्टर असेंबली इज कॉल्ड द यूनिक्रैमल ठीक है सो मोस्ट स्टेट्स हैव यूनिक्रामल रजिस्टर आंध्र प्रदेश है जैसे बिहार है कर्नाटक है महाराष्ट्र है तेलंगाना है उत्तर प्रदेश है ये क्या है ये बायक्रैमल रजिस्टर्स है ठीक है अब आप ये बोलेंगे कि मैम इसमें क्या होता है देखिए बहुत ही इजी है जहाँ पे कि दोनों होते हैं जैसे कि लजिस्ट्रम्बली और साथ ही साथ में लॉजिस्टिक काउंसिल जो होते हैं ये कहलाते हैं बायोक्रामल लॉजिस्टर्स जो कि हमारे इंडिया में आंध्र प्रदेश बिहार कर्नाटका महाराष्ट्र और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में है ठीक है यह बात हमें समझ में आ गई अब हमने कहा कि दो होते हैं जैसे कि हमारे स्टेट में लोकसभा में नेशनल लेवल पे होती है ठीक विधानसभा स्टेट लेवल में होती है तो आज हम इसी विधानसभा के बारे में थोड़ा सा जान के अच्छा लगा कि हमें पता तो चला कि कैसे होती है राज्यसभा में काम चलिए अब करते हैं हम लजिस्ट्र काउंसिल तो लजिस्ट्रिक काउंसिल में क्या होता है द लजिस्ट्रिक काउंसिल और द विधान परिषद इज ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस जैसे सभा परिषद जो होती है उसे अपर हाउस कहा जाता है सेम सेम वैसे ही लजिस्ट्र काउंसिल होती है ठीक है बेटा अब यहाँ पे आपको समझने की बात यह है कि साइज़ जो होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है सो द साइज ऑफ़ द स्टेट लजिस्ट्रिक काउंसिल डिपेंड ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लजिस्टिव असेंबली यानी लजिस्टिक काउंसिल किस पे डिपेंड करता है किसकी जो कि की स्ट्रेंथ कितनी है कितनी उसके पास लोग हैं उसके पास ताकत है उस पर डिपेंड करता है सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट बी मोर देन थर्ड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्टिव असेंबली यानी इसमें क्या होता है नॉट लेस फोर्टी यानी इनके पास में कम से कम चालीस नॉट लेस देन फोर्टी से कम नहीं होने चाहिए क्या उनके जो मेंबर होते हैं

एम एल uh, जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं ठीक है अब बेटा मैं एक बात बताऊँ आपको जो स्टेट होता है ना इस डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्टेट जैसे कि उसमें क्या होता है बहुत सारे लोग रहते हैं तो अब हम किस तरीके से उसे डिवाइड कर सकते हैं तो स्टेट में बेटा स्टेट की क्षेत्रफल को ना देखते हुए वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वहाँ की जो पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करता है इट मीन्स एरिया जो कॉन्स्टिट्यूंसिस मीन्स इट मीन्स सीट्स है ना तो अब आपको मैं बताऊँ स्टेट में असम्बली जो काउंसलिंग होता है कॉन्स्टिटेंसीज जो होती हैं हम उसको मानते हैं जो जीतता है ना वो क्या करता है वो लजिस्ट्रि असम्बली में जाता है यानी वो क्या बनता है वो एम एल ए बनता है और मेंबर ऑफ लजिस्ट्रिट जो होता है ना वो असेंबली में बैठता है और मैक्सिमम सीट वाली जो पार्टी होती है ना यानी वही स्टेट में रूलिंग पार्टी कहलाती है ठीक है अब हम बात करते हैं कि मेंबर ऑफ जो पीपल uh, जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शंस में कॉमन लोग कॉमन पीपल जो कि उनको चुन के भेजते हैं सो द इलेक्ट्रोकल कॉलेज ऑफ द काउंसलिंग इलेक्शन कम्पेयर लोकल अथॉरिटीज़ टीचर्स ग्रेजुएट एंड एम एल एज़ और इसमें इलेक्शन जो काउंसलिंग इलेक्शंस जो होता है ना इसमें जो होते हैं शामिल वो कौन कौन हो सकते हैं वो इलेक्ट्रॉल कॉलेज फॉर द एंड लोकल अथॉरिटीज टीचर्स ग्रेजुएट्स और एम एल एज सो ईच ग्रुप्स मेक अप अ डिफरेंट काउंसलिंग कॉन्स्टिटुंसीज ये अलग अलग कॉन्स्टिटुएंसीज बनाते हैं एंड द लोकल अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्युवेंस इलेक्ट वन थर्ड ऑफ द मेम्बर्स द ग्रेजुएट एंड द टीचर्स कॉन्स्टिटेंसिस इलेक्ट वन टल ए इलेक्ट वन थर्ड ऑफ the council members the remaining seats are filled people nominated by the governor yani jo graduates hote hain jo teachers hote hain hai na इनमें से जैसे कि teachers जो होते हैं जो graduates होते हैं उनमें से भी वन ट्वेल्थ each में से लिए जाते हैं ठीक है और साथ ही साथ में जो रिमेनिंग सीट्स अगर रहती हैं तो उसको नॉमिनेट किस कौन करता है गवर्नर करते हैं ठीक है यूजुअली यूजली विल बी वेरियस फील्ड्स आर नॉमिनेटेड बाय टू द काउंसिल और ये अलग अलग विभागों से संभावित होते हैं यानी टीचर्स भी हो सकते हैं ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं लोकल अथॉरिटीज़ भी हो सकते हैं सो द काउंसिल काउंसिलेक्टर्स ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फॉर अमंगस्ट इट्स मेंबर और काउंसिल इलेक्ट करती है किसको वो करती है चेयरमैन को और डिप्टी चेयरमैन को चूज करते हैं एंड द काउंसिलिंग इज़ अ परमानेंट बॉडी दैट कैन नॉट बी डिज़ोल्व और जो काउंसिल होती है वो एक परमानेंट बॉडी होती है जिसे कि डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता और मैम्बर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ सिक्स ईयर्स और इनके बर कितने सालों तक चुने जाते हैं इनके मेंबर चुने जाते हैं छह साल के लिए ठीक है एवरी सेकेंड ईयर वन थर्ड ऑफ द मेंबर हु आर कंप्लीट देयर टर्म रिटायर और हर साल हर दो साल बाद वन थर्ड लोग जो होते हैं वो रिटायरमेंट की कगार पे आ जाते हैं तो इलेक्शन आर हेल्प टू बी फील दिस चीज तो उनमें इलेक्शन करा दिए जाते हैं उनको भरने के लिए टू बिकम अ मेंबर अ पर्सन नीड्स टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और वो मैम वो जो मेंबर बनता है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए एटलीस्ट उसका हिज नेम ऑन द वोटर्स लिस्ट में उनका नाम शामिल होना चाहिए ही और शी कु बिलो बिलो थर्टी ईयर यानी उनकी जो उम्र है वो बिलो थर्टी होना चाहिए एंड शुड बी मेंटली साउंड एंड फाइनेंशली नॉट बैंक करप यानी मैंटली स्ट्रांग होने चाहिए और साथ ही साथ में उनके ऊपर कोई भी अ, अ, कोई भी उनके पास यानी बैंक से उनके पास में कोई भी करप्ट नहीं होना चाहिए ठीक है कोई गबन करावा नहीं होना चाहिए तो हमने इसमें आपको बता दूं बेटा मैं वापस एक बार कि हमने लजिस्टिव काउंसिल में क्या पढ़ा लेजिस्टिव काउंसिल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस ठीक है शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि ये अपर हाउस भी कहलाता है लेजिस्टिव असेंबली डिपेंड ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्टिव असेंबली यानी लेजिस्टिव जो असेंबली डिपेंड करती है किस पे यहाँ के टोटल स्ट्रेंथ पे और साथ ही साथ जो होते हैं और वन सिक्स वन सिक्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं यहाँ पे यस यस वन सिक्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ठीक है अब हमने बात करी कि देयर चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन फॉर अमंगस्ट इट्स इम्बर यानी ये क्या करते हैं काउंसलिंग इलेक्शंस जो होते हैं इसमें वो लोग क्या चूज करते हैं वो लोग चूज करते हैं अपने डिप्टी चेयरमैन को और साथ ही साथ में जो चेयरमैन होता है उनको सो द काउंसलिंग इज अ परमानेंट बॉडी और ये जो परमानेंट बॉडी होती है काउंसिल इसको आप भंग नहीं कर सकते हैं देट कैन नाट बी डिजोल्व एंड मैंबर्स आर

हर स्टेट का अपना लजिस्टिव असेंबली होता है एंड आल्सो कॉल्ड द विधानसभा ठीक है और इसको हम विधानसभा के नाम से भी जानते हैं यानी हर स्टेट के पास अपना खुद का एक विधानसभा होता है एंड इट इज़ कंपोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ़ द असेंबली विद इन द स्टेट यानी जो स्टेट में डायरेक्टली इलेक्शन जो होते हैं उनमें लोगों के द्वारा चुने गए जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो इसमें बैठते हैं ठीक है एंड दीज टेरेस्ट्रियल कॉन्स्टिटेंसिस हैज़ बीन सेट अप इन सच अ वे एज टू इंश्योर प्रॉपर टेक् प्रो पोटेशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन दसम्बली यानी ये जो यहाँ के जो स्टेट में एक साथ जो होते हैं इसमें कॉन्स्टिटेंसीज में इलेक्शंस होते हैं सीटें पॉपुलेशन पे डिपेंड करती हैं एवरी फाइव ईयर यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं सो स्टेट विद अ लार्ज पॉपुलेशन विद इज़ अ प्रॉपर पोटेंशली लार्ज असम्बलीज यस जो लार्ज स्टेट होगा वहाँ पे जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है ठीक है तो वहाँ की लार्ज असेंबली भी बनेगी सो द मोस्ट पॉपुलर स्टेटेड ऑफ उत्तर प्रदेश जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो वहाँ की क्या होगा वहाँ की जो कॉन्सिक्यूसिस होंगी है ना वो भी लार्ज होंगी तो वहाँ की असेंबली है वो भी बड़ी होगी ठीक है सो दस दोर स्टेट उत्तर प्रदेश हैज़ इन द द असेंबली एंड जिसमें की, कम है जिसमें कम होते हैं वहां पे लोग मैंबर भी कम होंगे जहाँ की पॉपुलेशन कम है और पॉपुलेशन कम है एज पर अकॉर्डिंग टू बुक सिक्किम जो है वहां पे पॉपुलेशन कम है जहाँ के सिर्फ और सिर्फ कितने मेंबर्स हैं थर्टी टू मेंबर्स हैं सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेटअप अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्टिव असम्बली और लजिस्टिव असम्बली में क्या होता है जिसमें कि ज़्यादा सीटें और कम सीटें असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेट बनाया गया है अकॉर्डिंगली टू इट कैन नॉट बी मोर देन और ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए किससे 500 से और कम नहीं होने चाहिए से? 60 से सो से सो दे हैव बीन एग्जन्स मेड इन केस ऑफ गोवा गोवा मिज़ोरम एंड सिक्किम लेकिन यहाँ पे गोवा और सिक्किम साथ ही साथ मिज़ोरम को छूट है क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स कम हैं सो दिस असेंबली हैव लेस देन सिक्सटी मेंबर्स यानी गोवा मिज़ोरम और सिक्किम में जो यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो हमें सिक्सटी से कम मिलते हैं लेकिन जैसा कि यूपी है वहाँ पे हमें फोर हंड्रेड फोर मेम्बर्स वहाँ से हमें मिलते हैं लेकिन ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए फाइव हंड्रेड से सो इन एडिशन टू बी इलेक्टेड मेम्बर्स द गवर्नर कैन नॉमिनेट वन मैंम्बर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यानी साथ ही साथ में शी और ही फील्स दैट द कम्युनिटी इज़ नॉट एक्ट एडिक्यूटली रिप्रजेंटेड इन द असेंबली एंड द असेंबली इज़ लीड बाय द स्पीकर डिप्टी स्पीकर हु आर इलेक्टेड बाय द एम एल एज उन्हीं में से चुना जाता है आपको बात बताऊँ गवर्नर जो होता है ना वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को भी चुन सकता है अर्थात ब्रिटेन में पैदा हुआ हो लेकिन वो यहाँ इंडिया का हो जहाँ इसके पेरेंट्स इंडिया के हो और इसकी उम्र पच्चीस से कम नहीं होने चाहिए वो भी यहाँ का मेम्बर बन सकता है सो so, आपको बात बताऊँ असेंबली जो है इस लीड क्यों लीड करता है इसको लीड करता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो कि किसमें से चुने जाते हैं वो आर इलेक्टेड बाय द एम एल एज एम एल एज के द्वारा वो चुना जाता है सो द लेजिस्टिव असेंबली इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ फाइव ईयरस आपको पता है जो लजिस्टिव असम्बली होती है ना ये पाँच साल के लिए चुनते हैं चुना जाता है एंड अंडर सर टर्म सरकमस्टेंसेज हाउ एवर द गवर्नर कैन डिजोल्व द हाउस बिफोर द कम्प इट टर्म्स द टर्म मे बी एक्सटेंड इन केस ऑफ स्टेट ऑफ एमरजेंसी लगाई जा सकती है जो कि गवर्नर अगर डिजोल्व कर देते हैं हाउस को इट कैन बी डिक्लेयर बाय द प्रजिडेंट और ये किसके द्वारा डिक्लेयर करा जाता है ये करा जाता है प्रेजिडेंट के सो हावेवर द एक्सटेंशन शड नाट बी मोर दैन अयर एट अ टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा एक साल नॉट बी फॉर मोर दैन एक साल से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए सो आफ्टर द एमरजेंसी वो एमरजेंसी लगा सकते हैं जब uh, कौन करता है डिज़ोल्व जब गवर्नर उसको डिज़ोल्व कर सकता है लेकिन ये एक साल की अवधि से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आफ्टर द एमरजेंसी इट इट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ एंड द एक्सटेंशन कैन नाट भी कंट्रो फॉर मोर देन सिक्स और ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन जो होता है वो छह महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है सो द मेंबर ऑफ लेजि असेंबली जो कि एम एल ए जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम एम एल ए भी बोलते हैं आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल आपको पता है जो एम एल एज होते हैं ना इनको हम डायरेक्टली चुनते हैं आपको पता है हमारे घरों में इलेक्शन के टाइम में लोग आते हैं बहुत सारे है ना डोर बैल बजाते हैं और हमें बहुत सारे पैम्पलेट्स देते हैं हमें अपनी क्वालिटी बताते हैं कि आप हमें चूज़ करें हम बिजली बिल फ्री कर देंगे ये कर देंगे आपकी सड़कें बनवा देंगे बहुत सारे आप प्रोमिस करते हैं न?

इलेक्शंस होते हैं स्टेट में और पॉलिटिकल पार्टीज फील्ड देयर कैंडिडेट्स और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है ना वो अपने कैंडिडेट्स को लेकर आती है दे मे बी आल्सो सम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अच्छा आपको पता है कुछ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो कि लोगों को सीट uh, देती है ना नॉर्मल वे में हम सीट बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकिन आपको पता है कुछ लोग अपने इंडिविजुअल भी खड़े होते हैं जिनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के नाम से जाना जाता है है। तो इलेक्शन कैंपेनिंग बिगिन इन एवरी कॉन्स्टिट्युए हर कॉन्स्टिट्यूंसिस में इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है प्रचार प्रसार होता है हाँ जैसे कि हमने चैप्टर थ्री में पढ़ा है यू हैव स्टडीड इन सम डिटेल ऑफ जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा आर कंडक्टेड सो द प्रोडक्ट्स ऑफ मोर और लेस देन सेम ऑफ द केस ऑफ असेंबली इलेक्शन यानी आपको बताएं कि इलेक्शन जो होते हैं लजिस्टिव असेंबली के वो किस तरीके से वो हाउ हाउ हु कैन बी इलेक्टेड इन द लजिस्टिव असेंबली हम जब कुछ पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं है ना अब वन मोर क्वेश्चन अगर हमारे आया है कि इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं लजस्टिव असेंबली के वो कौन हो सकते हैं हु कैन बी इलेक्टेड सो आंसर क्या है अ कैंडिडेट कंटेनिंग द असेंबली इलेक्शन ऑफ द स्टेट शुड बी शुड बी वो क्या होना चाहिए अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये तो मस्ट है वोटर ऑफ ऑफ कॉन्सीटेंसिज स्टेट और वो उसी स्टेट का एक वोटर होना चाहिए जिस कॉन्सिटेंसिस से वो खड़ा हो रहा है नॉट लेसन टी फाइव ईयरस ऑफ एज और पच्चीस साल से उम्र कम उसकी नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ सीट रिजर्व बाय द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और अ मेम्बर ऑफ एनी ऑफ दिज कास्ट आर ट्राइब्स और इनमें कुछ सीटें रिज़र्व भी होती हैं रिज़र्व यानी उनको रखा जाता है एस सी एस टी और कुछ खास ग्रुप्स के लिए ट्राइब्स लोगों के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए तो फ्रॉम बिल टू एक्ट अब आपको फ्रॉम बिल बिल का नाम सुनते ही हमारे जहन में हमारे दिमाग में एक ही बात आती है बिजली बिल वाटर वाटर बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना सुपरमार्केट बिल नहीं ये वो वाला बिल नहीं है ठीक है ये अलग तरीके का बिल है चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अलग तरीके वाला बिल कैसा होता है यानी मामा पापा तो हमेशा बिल पे करते हैं लेकिन आज हम आपको एक नया बिल बताएंगे जो मामा पापा का रोल होता ही नहीं है उसमें तो वो ऐसा क्या होता है हाँ अगर मामा पापा उसमें पार्टीज़ में अलग अलग हैं आपके एम हैं तो वो ज़रूर जानते हैं कि बिल होता क्या है चलिए हम बताते हैं सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेजिस्लेटर यानी जो बिल यहाँ पे बनाया जाता है और पास किया जाता है उसको हमने नाम दे दिया लेजिस्लेशन और जहाँ पे कि द हाउस वेर दिस प्लेस जहाँ पे ये टेक प्लेस होता है उसको लेजिस्लेचर बोल दिया एंड रिप्रेजेंटेटिव बोथ द सेंटर एंड द स्टेट और इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सेंटर और स्टेट uh, दोनों के होते हैं जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ठीक है मेंबर ऑफ काउंसिलिंग जो कॉन्स्टिटेंसीज होती हैं उनके होते हैं मेंबर ऑफ असेंबलीज होते हैं जो ठीक है लेजिस्ट असेंबलीज के जो होते हैं तो अब आपको बताएं आर द पीपल इन्वॉल्व टू लॉ मेकिंग प्रोसेस यानी यहाँ पे बात हो रही है लॉ मेकिंग प्रोसेस तो ये क्या चीज आ गई दे आर कॉल द लेजिस्लेटर जहाँ पे कि कानून को बनाया जाता है उनको लेजिस्लेटर्स का नाम दे दिया एंड द लॉ ऑफ द होल नेशन आर एनहेंस्ड ऑफ द पार्लियामेंट और फिर वो हमारा जो कानून है वो पार्लियामेंट में पास करा जाता है सेम सिमिलरली उसी तरीके से द लॉ Applicable only in a particular state or entangled in the legislative of the state.

तो ठीक है अदर्स बिफोर इट इज पुट टू तो वोट इसमें वोटिंग शुरू हो जाती है उस बिल को पास कराने के लिए इफ द बिल इज पास इट साइन टू द गवर्नर फॉर अप्रूवल और अगर वो बिल पास हो जाता है तो वो गवर्नर के पास भेजा जाता है एंड इट बिकम एन एक्ट ओनली आफ्टर द गवर्नर साइन इस पे एक्ट वो तभी बन पाएगा जब गवर्नर के साइन इस पे होंगे यानी गवर्नर की इम्पोर्टेंस आपको यहाँ पता चलेगी एंड देर वेरियस टाइप ऑफ बिल्स और हमारे पास में तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिल होते हैं सॉरी मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ऑनली इन द लजिस्टिव असेंबली यानी जो मनी बिल होता है फाइनेंशियल बिल जो होते हैं वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस करे जाते हैं वो लजिस्टिव असम्बली में इंट्रोड्यूस करे जाते हैं यानी yani, अब हमने बताया कि हमारे जो हमारी जो विधानसभा होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं गवर्नर उसको अप्रूवल देता है है ना देते हैं और फिर वो एक्ट बिकम एक्ट कब लाया जाता है एक्ट में तब लाया जाता है जब उस पर गवर्नर साइन कर देते हैं और फाइनली वो फिर इंट्रोड्यूस करा जाता है और इट्स ओनली इन द लेजिस्टिव असेंबली सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू